नमस्कार साथियों, वेलकम माय ट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा एक की भरी हुई शिक्षक डायरी जो 21 से लेकर 26 अगस्त 2023 तक की लिखी गई है। तो आप सर्वश्रेष्ठ वीडियो को फुल वॉच करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसका PDF आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो करते हैं प्रारंभ। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं 21/8/2023 में हमें क्या अंकित करना है। न्यू साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका के अनुसार देखेंगे तो सप्ताह संख्या आपका 11 का पांचवा दिन से प्रारंभ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कक्षा में एक विषय में कलरव कार्य पुस्तिका, गणित कार्य पुस्तिका का प्रयोग करेंगे और कलरव इंग्लिश का भी यहाँ प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम मौखिक भाषा विकास में आज शेर की गुफा कहानी मौखिक रूप से सुनाना रहेगा। रिकॉर्डिंग और लेखन में देखेंगे तो साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे। पाठ्य पुस्तक से आ की मात्रा के शब्द लिखवाना रहेगा और यहाँ रहेगा स्वतंत्र पठन। तो यहाँ पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर से चित्रात्मक कहानी वाली किताब पढ़ेंगे छात्र। भोजन समय के बाद देखेंगे गणित में समीकरण गतिविधियाँ होंगी इस सप्ताह की। यहाँ गणित की जो कार्य पुस्तिका है सप्ताह संख्या 11 में साप्ताहिक अभ्यास पर कार्य कराना रहेगा। कलरव इंग्लिश में देखेंगे लेसन 8 नंबर्स, लेखन पर कार्य करेंगे। लास्ट में हमें अंकित करना है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डेट 22 अगस्त 2023 में लिखते हैं यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। तो मौखिक भाषा विकास में कप्ता पोस्टर हाथी पर कार्य करेंगे। डिकोडिंग लेखन में साप्ताहिक आकलन पर कार्य करेंगे। आकलन प्रपत्र पर यहाँ हम प्रयोग करेंगे और रेमेडियल कार्य पर देखेंगे तो आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करेंगे। भोजन समय के बाद गणित में साप्ताहिक पुनरावृत्ति जो कार्य पुस्तिका है सप्ताह 11 साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य करना रहेगा। कलरव इंग्लिश में लेसन 8 नंबर्स, लेखन पर कार्य करना वर्ड वर्क रहेगा। उसके देखेंगे नेक्स्ट डेट 23 अगस्त 2023 में मौखिक भाषा विकास में खेल गतिविधि शब्द अंताक्षरी कराना रहेगा। डिकोडिंग लेखन में देखेंगे तो सावर्ण की पहचान सिखाना रहेगा। कार्य पुस्तिका से पार्ट 8 पर कार्य करेंगे। विलोक पठन देखेंगे तो माँ और बच्चे कहानी सुनाना, प्रश्न पूछना रहेगा। भोजन समय के बाद शिक्षण उद्देश्य यहाँ पर बन रहेगा क्योंकि सप्ताह आज 12 का पहला दिन है। 20 तक की संख्याओं को सिखाना रहेगा। गणित कार्य पुस्तिका देखेंगे तो सप्ताह 12 अभ्यास 01 पर कार्य करना। कलरव इंग्लिश में लेसन 9 लेट्स डू जॉइन द डॉट्स पर कार्य करेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट डेट 24 अगस्त 2023 में मौखिक भाषा विकास में चित्रचार बरसात पर कार्य करेंगे। डिकोडिंग लेखन में तावण की पहचान सिखाना रहेगा। कार्य पुस्तिका से पाठ 9 पर कार्य करेंगे। यहाँ विकल्प पठन देखेंगे तो माँ और बच्चे जो विकल्प में कहानी है उसका लोगोग्राफिक पठन कराना रहेगा। भोजन समय के बाद शिक्षण उद्देश्य 20 तक की संख्याओं को सिखाना रहेगा। गणित कार्य पुस्तिका सप्ताह 12 अभ्यास 2 पर कार्य कराना रहेगा। कलरव इंग्लिश में लेसन 9 लेट्स डू ज्वाइन द डॉट्स पर कार्य करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेट 25 अगस्त 2023 में यहाँ देख लेते हैं मौखिक भाषा विकास में साफ सफाई पर चर्चा करना, स्वच्छता की जाँच करेंगे। डिकोडिंग और लेखन में देखेंगे सा और ता वर्ण की पहचान सिखाना रहेगा। बोर्ड पर शब्द पढ़ने का अभ्यास कराना रहेगा। यहाँ बिग बुक माँ और बच्चे कहानी पर कार्य करेंगे। भोजन समय के बाद देखेंगे शिक्षण उद्देश्य 20 तक की संख्याओं को लिखना सिखाया जाएगा। गणित की जो कार्य पुस्तिका है सप्ताह 12 अभ्यास 03 पर कार्य कराना। कलरव इंग्लिश में लेसन 9 पर कार्य कराएंगे। उसके चलेंगे नेक्स्ट डेट 26 अगस्त 2023 में देखते हैं यहाँ पर हमें क्या अंकित करना है। मौखिक भाषा विकास में योगा कराना। डिकोडिंग लेखन में बा वर्ण की पहचान सिखाना रहेगा। कार्य पुस्तिका पाठ 10 पर अभ्यास कार्य करना रहेगा और चित्रकला में चित्र कार्य करना रहेगा। भोजन समय के बाद देखेंगे गणित खेल। यहाँ शिक्षण उद्देश्य 1, 2, 3 के अनुसार अभ्यास गतिविधियां कराना रहेगा और गणित कार्य पुस्तिका सप्ताह 12 अभ्यास गतिविधि पर कार्य करना। कलरव इंग्लिश में देखेंगे तो लेसन 9 है लेट्स डू रीड एंड राइट पेज 115 पर कार्य करना रहेगा। अंत में हमें नोट करना है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन कि आज का शिक्षण कार्य सफल रहा। तो ये थी कक्षा 1 की शिक्षक डायरी इस सप्ताह की। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।